वरनाज शाह के घर का कुत्ता बनके रह गया सेलिब्रिटी टीटू डिम्पी की वजह से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज टीटू की हालत देख के सच में बुरा लगा, और ये भी बुरा लगा कि टीटू ने क्यों चूज की ये हालत। सेलिब्रिटी है, वर्ल्ड फेमस है, या जैसे भी जहां भी उसकी फेम जाती है वहां तक फेमस है, तो उसको यहां से निकलना क्यों नहीं बन रहा। रहती है डिम्पी तो रहे अपने आलिशान महल में, कम से कम वो अपने जो रूटीन जो काम है उसमें तो जाके अपने आप को बिजी कर ही सकता है। तो रुका हुआ है तो अंश के लिए, अपने परिवार के लिए, जिसको वो परिवार समझता है, मगर परिवार उसको अपना नहीं समझता है। परिवार तो उसको क्या समझता है, ये मैंने अपने टाइटल में बोल ही दिया है, बार बार बोलने को मन भी नहीं करता है। बात करते हैं पहले, वही निवेदन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डिम्पी का ये बदला हुआ रूप टीटू को हर दिन सरप्राइज कर रहा है। आज टीटू फिर से डिम्पी से बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि जो खुशी डिम्पी फॉलोअर्स बढ़ने की दिखा रही थी वो अपने परिवार को इग्नोर कर दी। उसने टीटू को नहीं ये बात शेयर की, क्योंकि उसको पता है कि टीटू से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं, उसने वरनाज शाह को शेयर की। ये सब देख के टीटू बहुत ज्यादा दुखी तो हो ही रहा है। सितम ये है कि वरनाज शाह उसको कैसे ट्रीट कर रहा है कि करो अब अपनी भाभी की मदद, करो अब घर का काम, आपने कहा था ना कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, करो अब काम। ये सब डिम्पी के सामने की बातें, कहां गई डिम्पी की ये पति प्रेम वाली, टीटू प्रेम वाली वो कहानी, कहीं नहीं है दोस्तों। अगेन एंड अगेन ये बात है कि टीटू ने बड़ी गलती की है डिम्पी से शादी करके, और अब ये गलती सुधारने के लिए अभी टाइम और चाहिए टीटू को, क्योंकि अभी भी वो कोशिश कर रहे, 6 महीने ही हुए, इतने जल्दी गिव अप टीटू भी नहीं करेगा, मगर तब तक उसको यही डॉगी वाला जीवन जीना पड़ेगा, वरनाज शाह के कहने पे ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके घर में रहना है, अपना घर बनाता, डिम्पी को लेके जाता, घर जवाई बनना ना एक्सेप्ट करता तो अच्छा था, मगर डिम्पी के प्यार में उस समय इतना अंधा था कि उसको डिम्पी चाहिए हर कीमत पे, कुत्ता बनना भी मंजूर था, सो वो बन के रह गया। तो बड़ा दुख हुआ, बट गुस्सा भी आया टीटू पे कि क्यों ऐसे वरनाज शाह के घर में रहना है। कई और ऑप्शंस हो सकती है, टूर में रह सकता है, होटल में रह सकता है, कैसे भी करके डिम्पी को एहसास तो करवाए उसके होने का, बट नहीं करवाएगा शायद, पता नहीं आगे देखते हैं, अभी तो उजवील ही हुआ है, तो धीरे धीरे क्या होता है तो देखेंगे। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।